हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित, और आज हम उन 6 स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे जो हमें लगता है 8 मई को मतलब 8th ऑफ मई को एक अच्छा रन अप दिखा सकते हैं और यहां मुनाफा कमाने का आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे व्यूअर्स को, जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज 7th ऑफ मई को काफ़ी जोरदार गिरावट आपको दिखाई पड़ी होगी मार्केट में। मार्केट ने लास्ट 1 आवर में एक काफ़ी जोर से सेल ऑफ दिया था। पूरा दिन मार्केट आज रेंज बाउंड में रहा। स्टार्टिंग में ओपनिंग में मार्केट 40-50 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, लेकिन वो अपनी बढ़त टिका नहीं पाया और वहां से वो मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। लास्ट के 1 आवर में जो सेल ऑफ था वो सेल ऑफ काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा सेल ऑफ था। ट्रेडर्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी यहाँ ट्रेड करने के लिए। हमने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसमें हमने कहा था कि शायद से यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है और अगर रिलायंस यहाँ से टूटेगा तो निफ्टी को भी वो बहुत ज़ोर से नीचे लेके जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ ऊपर एक लिंक फ्लैश होगी और उस लिंक पे आप क्लिक करके रिलायंस इंडस्ट्रीज का टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई वीडियोस देखना है हमारे वाले, जो आपको लगता है कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, आप हमारे चैनल पर जाके वीडियोस के सेक्शन में जाके ये वीडियोस यहाँ देख सकते हैं। वीडियोस देखने के बाद लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कौन से 6 स्टॉक हैं जो 8 मई को एक अच्छा मोमेंट दिखा सकते हैं। आज का जो पहला स्टॉक है जो हमने कल के लिए चुना है, ये है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स हमने कल भी चुना हुआ था और हमने कहा था कि जो इसके लेवल्स हमने बताए थे 203 के ऊपर बाय और 195 के नीचे सेल, ये दोनों ही लेवल्स इनिशिएट नहीं हुए हैं आज, तो हमारी कोई भी पोजीशन इसमें नहीं ली है। हालांकि हमें लगता है कि आज भी इसने एकदम अपने सपोर्ट के पास जाके ये क्लोज हुआ है 195.2, तो इसमें आप कल भी ट्रेड ले सकते हैं। ये कल हमें कोई अच्छा मोमेंट दिखाने की चांसेस हैं। सेकेंड जो हमारा स्टॉक है ये है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स को अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर तो अदानी पोर्ट्स भी अपने सपोर्ट के पास आ गया है, और अगर ये यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमें लगता है ये अच्छा एक मोमेंट दिखा सकता है। अगर हम इसे बाय करेंगे तो बाय के लिए लेवल्स होंगे 375 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तो हमारे टारगेट्स होंगे 379, 383, 390 और हमारा स्टॉप लॉस होगा 369 का। अगर ये यहाँ से लेवल्स ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हमारे सेल ऑफ रीजन्स होंगे 368 के नीचे। अगर ये सस्टेन करता है तो हम इसमें सेल करेंगे, टारगेट होंगे 364, सेकेंड टारगेट 360, थर्ड टारगेट 355 और हमारा स्टॉप लॉस उस केस में होगा 375 का। जो हमारा थर्ड स्टॉक है ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अगर आप देखो तो ये एक जो इसका जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो 3000 के आसपास था, ये तोड़ने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई ऊपर की तरफ, जहां से स्टॉक करीबन 150 से 200 रुपए के आसपास ऊपर चढ़ा और वापस नीचे आके यहीं से स्टॉक ने अपने आप को बाउंस बैक किया। अब अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये स्टॉक फिर से वही लेवल्स के आसपास आ रहा है और हमें लगता है कि इसमें कुछ मोमेंट हमें 8 मई को दिख सकती है। अगर ये स्टॉक 3050 के ऊपर सस्टेन करता है कल तो हम इसमें बाय करके चलेंगे विद अ टारगेट ऑफ 3075, सेकेंड टारगेट ऑफ 3100 और थर्ड टारगेट ऑफ 3130। हमारा स्टॉप लॉस होगा 2995 का। अगर ये स्टॉक 2995 के नीचे आता है और सस्टेन करता है तो हम इसमें सेल करके चलेंगे विद टारगेट ऑफ 2985, सेकेंड टारगेट ऑफ 2970 और हमारा थर्ड टारगेट जो होगा 2950 का होगा। स्टॉप लॉस हमारा होगा 3015 का। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग में आपने देखा होगा आज काफ़ी क्रैकडाउन था, सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया मार्केट को नीचे लाने में, और बैंक निफ्टी भी अपने क्रूशियल लेवल्स के नीचे आ गया है। हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक में भी एक कल अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। अगर एचडीएफसी बैंक 2315 के नीचे आता है कल के दिन में और कुछ देर सस्टेन करता है तो हाँ, ये स्टॉक हमें लगता है यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 2305, हमारा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 2295, हमारा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 2280 और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 2335 का। अगर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हम इसमें बाय इनिशिएट करेंगे
और हमारे बाइंग लेवल्स होंगे 2330 के ऊपर, हमारे टारगेट्स होंगे 2340, सेकेंड टारगेट होगा 2350, थर्ड टारगेट होगा 2360 और हमारा स्टॉप लॉस उस केस में होगा 2300। हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है ये है इंडिगो। इंडिगो में हमें लगता है कि एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है और डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होने के बाद ये अपने आप को काफी यहाँ रेजिस्ट कर रहा है, ये अपने मोमेंटम दिखा नहीं पा रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर जा नहीं पा रहा है और इसका जो ये डबल टॉप का पैटर्न का जो हाई है ये करीबन 1600-1610 के आसपास है। तो ये एक स्टॉक है जो हमें लगता है कि कल अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है, हम इसमें बाय इनिशिएट करेंगे अगर ये 1600 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करता है। हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे 1615, सेकंड टारगेट होगा 1630, थर्ड टारगेट होगा 1650 और हमारा स्टॉप लॉस होगा 1575 का। अगर ये नीचे आता है तो हमें लगता है हम इसमें सेल इनिशिएट कर सकते हैं, अगर ये 1550 के नीचे आता है तो, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1535, हमारा सेकंड टारगेट होगा 1520, हमारा थर्ड टारगेट होगा 1500 और हमारा स्टॉप लॉस उस केस में होगा 1575 का। ये थे हमारे पांच स्टॉक्स जो हमें लगता है कि कल 8th ऑफ मई को एक अच्छा रनअप दिखा सकते हैं और यहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी आएगी, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउनसाइड हो, और आप इसमें ट्रेड लेके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने जो स्टॉक्स कल रेकमेंड किए थे उसमें किस तरह की मूवमेंट आई है और यहाँ पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ कि नहीं हुआ। पहला स्टॉक जो हमने कल रेकमेंड किया था ये था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हमारे जो सेल के लेवल्स थे वो 199 के नीचे थे और हमारे आज टारगेट वन और टारगेट टू दोनों अचीव हो गए। टारगेट वन था हमारा 195 और टारगेट टू था हमारा 190 का। बाय के लेवल्स इनिशिएट नहीं हुए हैं हमारे, बिकॉज बाय जो था हमारा वो था 215 के ऊपर का। जो सेकंड हमने रेकमेंड किया था स्टॉक ये था हमारा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है ये हमारे कल के पिक में भी रहेगा क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। जो हमारा थर्ड स्टॉक है ये है पिडिलाइट। पिडिलाइट में हमने रेकमेंड किया था कि 1203 के ऊपर अगर जाएगा तो बाय करना है और 1175 के नीचे आएगा तो हमें सेल करना है। पिडिलाइट में हमारा 1175 का आज इसने लेवल्स टच किया है लेकिन हमारे ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि इसने सस्टेन नहीं किया था। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो लेवल्स हमने जो बताए हैं इसके नीचे जो स्टॉक है इसे थोड़ी देर सस्टेन करना चाहिए तो ही हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हालांकि पिडिलाइट में मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स आ सकते हैं तो आप इस लेवल्स को ध्यान में रख के आगे भी ट्रेड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने रेकमेंड किया था ये था एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस में भी हमारे ना बाय ना सेल दोनों ही लेवल्स इनिशिएट नहीं हुए हैं तो इसमें भी हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ है। उज्जीवन था हमारा दूसरा रिकमेंडेशन जो हमने रेकमेंड किया था कल के दिन में 7th ऑफ मे के ट्रेडिंग के लिए। उज्जीवन में 310 के नीचे हमें सेल करना था विद अ टारगेट ऑफ 306 जो हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट टू और टारगेट थ्री हमारा अचीव नहीं हुए हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक और ट्रेड था जो हमने कल कहा था जिसमें हमारे दोनों ही लेवल्स ना बाय ना सेल के लेवल्स टच किए हैं इसलिए इसमें भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। अरबिंदो फार्मा का ये ट्रेड जो है ये मैंने 6th ऑफ मे को दिया था, मतलब ये मेरा परसों का ट्रेड था और इस ट्रेड के लिए मैंने जो लेवल्स बताए थे वो थे 775 के नीचे सेल और टारगेट जो था हमारा था 768 का। ये टारगेट हमारे आज अचीव हो गए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी सेल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी वो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले। ग्रासिम ये एक स्टॉक मैंने कल की वीडियो में भी रेकमेंड किया हुआ था, इसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी। ये स्टॉक मैंने दो बार रेकमेंड किया था लास्ट वीक में और मैंने कल की वीडियो में क्लियरली कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये स्टॉक एक बहुत अच्छी मूवमेंट देगा चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, और डाउनसाइड में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। आपने इसे देखा होगा कि 885 के नीचे आने के बाद हमने सेल रेकमेंड किया था और स्टॉक ने आज ऑलमोस्ट हमारा लेवल टारगेट वन और टारगेट टू के ऑलमोस्ट पास में जाके टच करके स्टॉक आ गया है। तो मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि अगर मैं स्टॉक्स देता हूँ, कई बार ये होता है कि वो स्टॉक के लेवल उस दिन नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्टॉक को भूल जाए और मत देखे। आप उस स्टॉक को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस लेवल्स पे ब्रेक करने के बाद चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड हो स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है और वहाँ आपको प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। सभी स्टॉक कवर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर मैं सब स्टॉक कवर करते बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और
इतना लंबा वीडियो होने के बाद फिर लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है कि बड़े वीडियोस देखने में। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, वो इसी वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है जहाँ पर हम ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, अपार्ट फ्रॉम जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम वहाँ स्टॉक्स और चार्ट्स शेयर करते रहते हैं। आज भी हमने बैंक निफ्टी में वहाँ अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, हमने वहाँ ट्रेड शेयर किया हुआ था। तो अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए लिंक्स में पे क्लिक करके ज़रदा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, और एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको सिर्फ हमें आपका यूज़र आईडी शेयर करना है और हम आपको हमारे ज़रदा के ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 5 स्टॉक डिस्कस किए हैं कल के लिए 8th of May को, जो अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं और कमाई का अच्छा मौका मिल सकता है। होप सो आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में या इस चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट है तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ही इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और नया कंटेंट लेके आएंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, जिससे कि हम जितना हो सके उतना अच्छा नॉलेज आपके साथ शेयर कर सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। थैंक्स एंड बाय।